न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबर आपको बता दें कि सिसोदिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई के तलब किए जाने पर सिसोदिया का बयान सामने आ गया है। बड़ी जानकारी दे दें कि उन्होंने कहा है मेरे खिलाफ फर्जी केस बनाया गया है। मनीष सिसोदिया बड़ा बयान दे रहे हैं और सीधा सीधा बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ फर्जी केस बनाया गया है, मेरे घर पे रेड से कुछ नहीं मिला, ऐसा सिसोदिया कह रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुजरात में हार से बचने के लिए फर्जी केस सामने आया है, ऐसा सिसोदिया का कहना है। मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी पर पलटवार करते हुए मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दे दिया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर ही विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन जारी कर 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से, जहां पर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का केस सामने आया है। बता दें कि केस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी दे दें आपको वाराणसी से, जहां पर जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में 11 बजे आज सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने ही पिछले हफ्ते याचिका दाखिल की थी और मस्जिद की इंजामिया कमेटी ने ही याचिका दाखिल की थी और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की अर्जी खारिज किए जाने के जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बड़ी जानकारी दे दें इस केस पर जो है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद वोटिंग आज है। आपको बता दें कि आज से वोटिंग शुरू हो चुकी है, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शशि थरूर ने मल्लिका अर्जुन खड़गे को फोन कर शुभकामनाएं भी दे दी हैं। खड़गे और थरूर के बीच कड़ा मुकाबला आज से। बता दें कि कांग्रेस में आज नए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान होना था और जो अब मतदान शुरू भी हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और 24 साल में ये पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ही 9,300 डेलीगेट्स सोमवार को मतदान करेंगे, ऐसी जानकारी थी, जिसके बाद अब मतदान शुरू हो चुका है और अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में ही कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ देश भर में मौजूद प्रदेश कमेटी जो है कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में वोटिंग हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।